सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आया हाई पॉइंट ड्रामा, जहां अक्षरा अभिमन्यु को बचाती है छेड़खानी के आरोप से, लेकिन मंजरी ने दिया आरोही को इसका श्रेय। जी हाँ, अक्षरा ने ज्यूरी के सामने कहा कि उसके पास एक सबूत है जो वो दिखा सकती है, जिससे साबित हो जाएगा कि अभिमन्यु निर्दोष है। फिर वो उन्हें बताती है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं, लेकिन रूबी जैसी लड़कियां इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करती हैं। वहीं अक्षरा रूबी से कहती है कि उसके पास उस दिन का एक वीडियो है जो दिखा सकता है कि उसने उस दिन अभिमन्यु के साथ क्या किया था। अक्षरा उसे चेतावनी देती है कि वीडियो वायरल हो जाएगा और उसे भुगतना पड़ेगा, जिसके बाद रूबी इस बात को कर लेती है स्वीकार कि अभिमन्यु निर्दोष है और वो सिर्फ अपना बदला लेने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अभिमन्यु ने मना कर दिया था उसके प्यार को। जिसके बाद ज्यूरी ने अभिमन्यु को निर्दोष साबित किया। बाद में अभिमन्यु अक्षरा से बात करने के लिए जाता है, लेकिन तभी अक्षरा उसे ये बताती है कि उसने ये सब किसी और के लिए किया है। अक्षरा की ये बात सुनकर अभिमन्यु अपसेट हो जाता है। वही सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे मंजरी परिवार वालों को बताती है कि आरोही की वजह से अक्षरा ने जाकर ज्यूरी को यह बात बताई। वहीं दूसरी तरफ सीरियल की कहानी में आएगा ट्विस्ट जब अभिमन्यु और हर्षवर्धन में बहस हो जाता है और फिर तभी मंजरी फर्श पर गिरी हुई पाई जाती है। आखिर हर्षवर्धन और अभिमन्यु किस बारे में कर रहे थे बात? क्या मंजरी ने उनकी बातचीत सुन ली थी? वे आगे क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा।